थाना सिविल लाइन अंतर्गत गुरहट्टी कोट रोड पर रहने वाले जयदेव यादव पुत्र केसरी प्रसाद यादव द्वारा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ एक शिकायती पत्र देकर उन्होंने थाना सिविल लाइन अंतर्गत आने वाली रेलवे चौकी के चौकी इंचार्ज पर दी गई तहरीर पर उचित कार्यवाही नहीं करने और गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया और मामले की जाँच उपरांत कार्यवाही की मांग की है। गौरतलब हो कि प्रार्थी जयदेव यादव द्वारा में एक बिल्डर को फ्लैट बुक कराने के पैसे दिए गए, लेकिन जयदेव यादव से और पैसे मांगे गए, जिस पर जयदेव यादव ने अपना फ्लैट कैंसिल करा दिया और अपनी रकम वापस मांगी, जिस पर बिल्डर द्वारा उन्हें समय दिया गया। इस प्रकार 3 से 4 साल उस बिल्डर ने निकाल दिए, लेकिन जयदेव यादव को उनकी रकम वापस नहीं मिली। बिल्डर द्वारा जयदेव यादव के साथ बदसुलूकी की गई। उसी मामले में थाना सिविल लाइन में एक तहरीर दी गई, जिसमें कार्यवाही की मांग की गई है। आज जयदेव यादव द्वारा जिलाधिकारी एवं SSP को शिकायती पत्र दिया गया, जहाँ पर जयदेव यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की थी, लेकिन वहाँ भी उन लोगों ने गलत रिपोर्ट दिखाकर अपने आप को सही दर्शाया, जबकि सारे साक्ष्य उनके खिलाफ मेरे पास मौजूद हैं। जयदेव यादव, क्या समस्या आपकी, आप यहाँ पे हैं? समस्या ये है, एक इन्वेस्टर क्लिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से कंपनी है, जिसके द्वारा मेरे साथ फ्रॉड किया गया। मेरे को बोला गया कि बहुत अच्छा फ्लैट है और आपको मात्र भी 10% देकर आपको इसको बुक करना है, बाकी पोजीशन के टाइम के समय पर देना है। मैंने 10% दे दिया, उसके बाद तुरंत 7.5-8 लाख रुपए का डिमांड और लगा, तो मैंने कहा मैं अभी नहीं आऊँगा, आप मेरा फ्लैट कैंसिल कर दीजिए। मेरा फ्लैट कैंसिल करने के लिए इन्होंने NOC भी मेरे को जारी कर दिया और जाके बोले बिल्डर से आप ले लीजिए। बिल्डर मेरे को 5-6 साल से चक्कर कटा रहा था, आप बिक जाएगा तो दे देंगे, बिक जाएगा तो दे देंगे, लेकिन अब ये और बिल्डर के व्यक्ति दोनों ही मुझको अब धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा कौन सा पैसा, कोई पैसा नहीं है, ऐसा वैसा मांगने या जानान करने आओगे तो हम आपको देख लेंगे, और हमने अपने पैसे आज तक मिले नहीं, वो लोग गायब हो गए कहाँ से कहाँ। तो इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार कराया है, मेरे साथ फ्रॉड किया है। इसके शिकायत पत्र लेकर मैं पहले भी थाने भी पहुँचा हूँ, SSP साहब को भी पहुँचा था, लेकिन ये नए कप्तान साहब आए तो मैंने सोचा शायद नीचे से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, बात इनसे भी मिलकर अपनी समस्या का समाधान करने के लिए मैंने इनको अपना शिकायत पत्र दिया है। मैंने DM को भी दिया है ये शिकायत पत्र, क्योंकि थाने द्वारा बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है, और योगी पोर्टल पर भी सारे मेरे पास साक्ष्य होते हुए भी योगी पोर्टल पर भी थाने के द्वारा गलत सूचना लगा दी गई है कि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, जिसको भी लेकर मैंने कप्तान साहब से आज शिकायत की है। तो DM साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? DM साहब ने आश्वासन दिया है मैं इस पर उचित कार्रवाई करूंगा और आप परेशान ना हो, चिंता